हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि हर घर के अंदर तिरंगा होना चाहिए, हर घर तिरंगा, अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराए, तो हिंदुस्तानियों ने दिल खोल के इस आह्वान का स्वागत किया। आई लव यू मोदी जी, वाह क्या सीन है। और इतने तिरंगे खरीद डाले कि भारत ने 500 करोड़ रुपए के तिरंगे बेच दिए, और ये भी अपने आप में एक न्यूज बन गई और एक रिकॉर्ड बन गया। हर घर तिरंगा कैंपेन हैज जेनरेटेड बिजनेस वर्थ 500 करोड़ रुपीज। तो ये बात हम हिंदुस्तानियों के लिए तो बहुत गर्व की बात है, और गर्व होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि 500 करोड़ रुपए के तिरंगे बेचना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये हमारी खुशी, हमारा एक पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसको बर्दाश्त नहीं होती है। यस, यू आर राइट। और पाकिस्तान के साथ तो ऐसा हुआ, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मगर क्यों? एक तो भारतीयों ने 500 करोड़ के झंडे खरीद लिए, और पाकिस्तान के अंदर 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो झंडे की तादाद बिकती है वो उससे भी कम बिकी। हर घर तिरंगा ने 500 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो झंडे पहले सालों से कम सेल हुए हैं आजादी के दिन पर। तो इन पाकिस्तानियों के दिमाग में चल गई बेचैनी, तो इस बेचैनी का इलाज करने के लिए निकले वो मार्केट, और मार्केट में मिल गए इनको एक पाकिस्तानी वकील साहब। और पाकिस्तान का वकील अगर ऐसा है तो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के आम इंसान कैसे होंगे, तो वो तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। अबे साले, तो आज हमारा मनोरंजन करने के लिए आए पाकिस्तान के मशहूर वकालत की डिग्री रखने वाले वकील साहब। ये दुनिया बौखला गई है। तो चलते पाकिस्तान, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मलिक अरशद अब्बास, एडवोकेट। आई एम HKHR एडवोकेट। एडवोकेट क्यों बोलो? जज हूँ मैं। एडवोकेट क्यों भाई? मैं जज हूँ, जज, सुप्रीम कोर्ट का जज। बोल बे एडवोकेट। एडवोकेट जबरदस्त। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आजादी का दिन गुजरा पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, यहाँ पर पहले से कम झंडे जो से हैं वो खरीदे गए, लोगों ने कम झंडे खरीदे एज कम्पेयर टू, अगर बात की जाए इंडिया में 500 करोड़ का बिजनेस हुआ है हर घर तिरंगा की स्कीम से। क्या वजह समझते हैं, हमारे पास महंगाई ज्यादा हो गई है या वतन से मोहब्बत कम हो गई है? इसका जवाब तो मैं ही दे देता हूँ आपको कि पाकिस्तानियों के पास में खाने के पैसे नहीं है, खाने के वांदे हो रहे हैं पाकिस्तानियों के पास में, पूरा देश कर्जे में डूबा हुआ है, तो झंडे क्यों खरीदेंगे? क्या रखा है जब देश ही नहीं बचेगा, तो झंडा बचा के क्या कर लेंगे भाई पाकिस्तानी। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। आवाम को बजट में रिलीफ तो आप दे नहीं रहे, और उल्टा आप उस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि एक कप चाय का पिए, एक ना जो तेल है ना वो कम इस्तेमाल करें, चाय का कप एक एक का कप कम कर दें, एक दो प्यालियां कम पीने शुरू कर दें। यानी अगर आपको बिल तंग कर रहा, नहीं दिया जा रहा, पंखा चलाना बंद कर दें, बत्ती चलानी बंद कर दें, कल को कहेंगे सांस लेना बंद कर दें, जीना ही बंद कर दें, कौन लोगे आप? देखिए इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से ना करें, इंडिया को मैं स्टेट ही नहीं मांगता, वहाँ पे सिख अलग से हैं, हिंदू अलग से हैं, मुसलमान अलग से हैं, और कई लोग वहाँ पे आबाद हैं, और वहाँ पे मिनोरिटी के जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो सिखों सिख प्राइम मिनिस्टर देखे वहाँ पे। देख रहे हो आप, ये वकील है पाकिस्तान के। सिख कितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आप? शायद जितने भी रहे हैं, लेकिन देखे ना आप वहाँ पे तो मिनोरिटी के। मुसलमान कितने प्रेसिडेंट रह चुके हैं आपको पता है? 4 से 5, मैं भी रॉन्ग हूँ लेकिन 3-4 का कंफर्म है, 4 से 5 प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जी जी, इंडिया वह स्टेट है जहाँ पे मिनोरिटी बंदा जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? मुसलमान मिनोरिटी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे देखा है मैंने मिनोरिटी वाला ही बन जाता है, लेकिन दुनिया में ये एक मेजोरिटी वाले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मेजोरिटी वाले प्रेसिडेंट बनते हैं। मेजोरिटी आप क्या चाहते हैं कि कौन वहाँ पे प्रेसिडेंट बने, मतलब कोई या प्राइम मिनिस्टर कौन बने, मिनोरिटी से मेजोरिटी से? हर दफा यही होता है, जिसमें मेजोरिटी होती है वही वाला अपना प्राइम मिनिस्टर। या पाकिस्तान में देखे जिसको मेजोरिटी हासिल है, मैं हैरान उस मुल्क को देख के, वहाँ पे जो जिसको 10 वोट भी नहीं वही प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। कौन बना ऐसा? मैं उसके एग्जाम्पल आपको देखा, लेकिन पाकिस्तान कभी इंडिया से ना करें। इन वकील साहब की बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी मॉडर्न एजुकेशन में वकील बने होंगे, मुझे लगता है वो पाकिस्तान में जो मदरसे होते हैं मदरसे में वकालत की डिग्री भी मिलती होगी। पाकिस्तानी है भैया, ये आसमानी ज्ञान है इनके पास में, कहीं से भी कोई से भी डिग्री कर सकते हैं, तो इनकी डिग्री मेरे को लगता है मदरसे से निकली हुई है, और ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल समझ से परे। सही बात है। उन्होंने सेलिब्रेट किया, उन्होंने को गवर्नमेंट लेवल पे अनाउंस किया होगा इसको कि हमने सेलिब्रेट करना है, हम मैंने गवर्नमेंट लेवल पे अनाउंस नहीं किया इसको। इसके अंदर हमारी खामी है ना? कोई खामी नहीं है किसी किस्म की मेरी बात सुने, कोई ये नहीं है कि ये नहीं को हमने डेलिब्रेटली कोई डेलिब्रेटली नहीं इंडिपेंडेंट डे मनाया, हम पाकिस्तानी है, मुल्क से प्यार करते हैं, मुल्क की खातिर हम जान कुर्बान को तैयार हैं। अबे जान कुर्बान बाद में करना, पहले झंडे खरीदने के पैसे तो निकाल लो जेब से, पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास में।
कोई शक नहीं, ये ना कहे कि हमने डेलिबरेटली, इस बात में तो कोई शक नहीं कि आप पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, इसमें तो दो राय है ही नहीं, कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्यों फिर पहले से कम झंडे खरीदे गए और वहां पर 500 करोड़ का बिजनेस क्यों हो गया, मेरा सिर्फ ये सवाल है, वजह क्या है? अच्छा, कोई रेयरली हो गया होगा लेकिन कोई डेलिबरेटली नहीं है कि हमने ये इंडिपेंडेंट डे नहीं मनाया, कौम ने नहीं मनाया, बस सलाब थे यहाँ पे। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान का, पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है, उसके 27 सूबे हैं, पाकिस्तान 4 सूबे मुश्तमिल है। लाइन पे फिर भी मैं कहता हूँ सलाम करता हूँ कायदे को जिसने इंडिया के पेट से दो मुल्क निकाले, एक बांग्लादेश कायदे पाकिस्तान। जिस जन्ना को ये अपना कायदे आजम कहते हैं, वो जिन्ना सूअर का मांस खाता था, वो शराब पीता था, वो जिना करता था, मतलब बदकारी करता था, अय्याशी करता था, उस जिना को ये कायदे आजम कहते हैं। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। पाकिस्तान उन्होंने निकाला था, फिर बांग्लादेश बाद में हमारे पेट से निकला, जो भी है पहले निकला इंडिया के पेट से ही है, दोनों मुल्क इंडिया के पेट से निकले हैं। इंडिया हमें क्या ताना दे रहा, हमने इंडिया के पेट से पाकिस्तान निकला, इंडिया के पेट से बांग्लादेश निकला वहां से ही है, ओरिजिन वहां से ही है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ये कोई नहीं कौम के मियार का आप तावन कर, कौम के मियार का आप एस्टिमेट कर लें कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट डे मनाया था वो बड़ा मुल्क है, वो बड़े पेट्रियोट। मैं तो हर बात में ये कह रहा हूँ कि हम प्यार करते हैं, लेकिन देखें कोई भी चीज़ है ना उसका कंपैरिजन करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। आप तो माशाल्लाह एक दफा गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि इस बार इंडिपेंडेंट डे हमने मनाना है, फिर हम बताएं इंडिया के हम क्या हैं। ये महान पाकिस्तानी चाहते हैं कि अपना आजादी दिवस मनाने के लिए भी इनको गवर्नमेंट आदेश दे, तब ये महान पाकिस्तानी एडवोकेट साहब अपनी आजादी का जश्न मनाएंगे, फिर फ्लैग खरीदेंगे। वाह कमाल हो भैया, आप पाकिस्तानी हो, आप कमाल हो भैया। क्या बात है, वही कह रहा हूँ क्यों नहीं गवर्नमेंट अनाउंस कर दी, अनाउंस नहीं किया तो इसमें हमारा कसूर गवर्नमेंट का तो है। और सर जी हम तो एक एक इंच में झंडे लगा दे पाकिस्तान के, हम तो एक एक फुट में झंडे लगा दे, लेकिन हमें सिर्फ बताया सही ये वाला जितना प्यार हम पाकिस्तान से करते हैं इंडिया वाले वो प्यार कर सकते ही नहीं है क्योंकि वो एक स्टेट ही नहीं है। गजब टू बी आजादी, सिख वहां से वक्त मेरी बात सुने, एक स्टेट में 70 स्टेटें वहां पे हैं, हिंदू वहां पे हैं, सिख वहां पे हैं, बुद्ध मत वहां पे हैं, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। देखें अच्छा एक हमारे यहां पे भी हिंदू थे या नहीं थे, आपकी तो एज है मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, यहां पर जब पाकिस्तान बना था ना तकरीबन 17 to 20% हिंदू की आबादी थी, वो अब कहां गई? देखें जी जहां भी गई लेकिन ये है कि मेजॉरिटी जहां पे होती है वो मेजॉरिटी लोग वहां पे रहते हैं। क्या सोच रहे तेरी, क्या सोच रहे? अच्छा बाकियों को कोई, बाकी को कोई एक यूनिफॉर्म होती है जो वो ठीक है, बाकी को कोई हक नहीं रहने का, मेजॉरिटी सिर्फ रहे। और सर ये कि मुल्क तो नहीं होता, मैं भी कहता हूँ सिखों को अलग करें वहां पर जाकर जो उनकी अलग से स्टेट बने, वहां मुसलमान जो उनकी अलग से स्टेट बने, हिंदुओं को अलग से स्टेट बने, फिर ये स्टेट है। ये मैं कन्फेडरेशन नहीं मानता इस तरह का कि हिंदुओं ने 70 में इकट्ठी की हुई है और एक मुल्क झूठा नारा लगा रही है हमारा इंडिया, हमारा इंडिया, और क्या आपने आजादी मनानी है? इस वकील की बातें सुनने के बाद में आप पाकिस्तान की जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका लेवल का अंदाजा आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं कि वहाँ का मॉडर्न एजुकेशन पाने वाला एक वकील कैसी बातें कर रहा है, बेहुदा बातें कर रहा है, बेसिर पैर की बातें कर रहा है, और इसकी बातें सुनकर तो मेरे को लगता है कि 6th-7th क्लास के बच्चे भी हंस देंगे। 70 कौमें मिलकर जाती है, जाती कौम तो एक बनाती है कौम, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कौम नहीं, वो जात पे या फिर वो मजहब के ऊपर आप कौम नहीं समझते, वो अपने आप को ये समझते हैं कि वो इंडिया से है। चाहे बात फिर भी नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ मेजोरिटी की बात। वहाँ पे 10 बंदे सिखों का हुक्मरान बन गया, कभी हिंदुओं का हुक्मरान बन गया, ये दुनिया में नहीं रूल है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, जहाँ पे मजबूर पाकिस्तान में, पाकिस्तान में ये ठीक हो रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद यार, पाकिस्तान की बात ही ना करें, पाकिस्तान तो बस पाकिस्तान बना है बस एक मुल्क। मुझे लास्ट में बस ये बता दें, आप बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, मैं भी बहुत मोहब्बत रखता हूँ, लास्ट में ये बता दें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मैं भी लगाता हूँ आप भी लगाते हैं, कोई फायदा है पाकिस्तान को इस नारा लगाने से, कोई काम प्रैक्टिकल करने से फायदा है या नारा लगाने से? देखिए कौमों को इवॉल्व होते हुए कौमों की नशीन में टाइम लग जाते हैं, आप ये ना करें 50 से 75 साल, इंडिया भी हमारे साथ ही तरक्की की, इंडिया ना कौन सा वहाँ पे कोई एटम बम, उनके पास एटम बम हमारे पास भी है जितने झाड़ उनके पास, इंडिया ने किसी के इंडिया ने किसी के पैसे नहीं देने हमने। आप 70 सालों जंग लड़े अफगानिस्तान की, देखें सही आप इंडिया का ना करें, 70 सालों जंग लड़े आप, अमेरिका की जंग आपने लड़ी, क्यों लड़ी, क्यों लड़ी, हम मजबूरी से हमारे बॉर्डर से वहाँ पे हमने लड़ी जंग, ये इंडिया का बॉर्डर, हम पिछले 75 साल वार में है, जंग में है, इंडिया का ना मुकाबला करें हमारे साथ, हमने रशिया को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी, इंडिया ने क्या किया? इंडिया तो बेचारा हमसे मार खा जाता है। चले ठीक है, अमेरिका को शिकस्त दे दी है, रशिया को शिकस्त दे दी है, पाकिस्तानी कौम दुनिया की नंबर 1 कौम है, ये मुसलमान कौम है इसलिए पूरी दुनिया में नंबर 1 है, इनकी ISI पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 है, इनकी पाक सेना पूरी दुनिया में नंबर 1 है, ये हर चीज में नंबर 1 है, और सबसे कमाल की बात ये पूरी दुनिया से कर्जा लेने में भी नंबर 1 है, दुनिया के आगे कटोरा रखने में भी नंबर 1 है।
पाकिस्तान में पढ़े लिखे वकीलों की अगर सोच ऐसी हो सकती है तो आप सोचिए एक आम जनमानस की जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, जो सिर्फ मदरसे में जाके आसमानी ज्ञान लेके अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, तो उसका आईक्यू लेवल, उसकी बुद्धि कहाँ पे होगी। मैं हैरान हूँ। मेरा समय हो जाता है यहाँ समाप्त और आप लोगों का समय हो जाता है स्टार्ट, और आप वकील साहब के स्वागत में जितने जूते मार सकते हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर मार दीजिए। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका आपके लिए पाक में रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।